जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक एक गणित में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप प्रतिदिन आप इस क्लास में आते हैं और आशा है आपको क्लास पसंद आती होगी। और प्यारे बच्चों, आप जो है लगातार मेहनत करते रहिएगा, आपका प्रश्न कमेंट बॉक्स में भेजते रहिएगा, मुझे बताते रहिएगा, ताकि मैं आपको जो है अच्छा अच्छा कंटेंट दे सकूं, आपको जो आपका प्रश्न है, जो आपकी जरूरत है वो मैं दे सकूं। बच्चों, आपका आज का प्रश्न है 12.2 का, तो प्रश्न नंबर 3 है आपका। प्रश्न फर्स्ट और सेकंड, यानी पहला और दूसरा, आप पहला दूसरा दोनों आप जो है देख चुके होंगे, मेरा पिछले वीडियो में आप देख चुके होंगे। अब इसमें मैं आपको लेकर आया हूं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है, पढ़िएगा जरा। एक घड़ी की मिनट की सुई इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक घड़ी है, इसकी मिनट की सुई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। बच्चों देखिए, इस टाइप से घड़ी गोल होती है, तो यूं यहां पे उसका केंद्र होता है, तो ये सुई है, मान लीजिए यहां पे है, यहां पे है। अब 5 मिनट में यहां चलेगी तो ये इधर आ जाएगी ना, तो ये 5 मिनट में इधर आ जाती है, ठीक है। 5 मिनट में ये सुई क्या करती है, यहां से चल के और यहां पे आ जाती है। अब क्या कहता है प्रश्न आपका, आपका प्रश्न कहता है कि जो सुई द्वारा रचित जो जितने क्षेत्र में वो सुई निकली हुई, वहां से चली हुई है ना क्षेत्र, तो यहां से रचित, ठीक है, यहां से यहां तक जो चली हुई है, यहां से यहां तक आने में जो दूरी है, ये जो पूरा यहाँ ये पूरा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या कहता है कि सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, जो 5 मिनट में जितना उसने दूरी तय करी है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ये जो सुई है इसकी जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या बराबर आपका 5 मिनट में सुई द्वारा सुई की लंबाई, ठीक है। त्रिज्या कितनी है माना, अतः त्रिज्या आर बराबर आपका क्या हो जाएगा भाई, आर आपकी कितनी है, आर आपकी है जितनी लंबाई है सुई की, मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी, 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर हो जाएगा आपका मिनट की सुई, मिनट की सुई बराबर सुई की लंबाई, ठीक है, मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई आपकी 14 सेंटीमीटर है। यहां तक आप समझ गए, त्रिज्या आपकी कितनी है, जितनी सुई की लंबाई, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो घड़ी के जो घड़ी है वो 5 घड़ी 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ये आपको कोण निकालना पड़ेगा, ये दिया नहीं है आपका, यहाँ पे दिया नहीं है। तो 1 मिनट में घड़ी कितना कोण बनाती है और 5 मिनट में कोण कितना हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक तो 5 मिनट है, 1 मिनट का मुझे निकालना है, ठीक है। तो घड़ी जो है, घड़ी के द्वारा 1 घड़ी के द्वारा 1 मिनट में क्या है, 1 मिनट में बना कोण, समझिएगा, घड़ी के द्वारा 1 मिनट में बना कोण, समझिएगा, 1 मिनट में बना कोण, ठीक है, घड़ी के लिए 1 मिनट में बना कोण, तो कितना है कोण, तो हो जाएगा आपका 360 भाई। अब देखिए 360 डिग्री का ये पूरा कोण होता है, अब 1 मिनट में, अब 1 घंटे में पूरा ये घूम लेती है सुई, ठीक है, 60 मिनट में घूम लेती है, तो 60 से भाग कर दीजिएगा, 1 मिनट का आ जाएगा, ठीक है, 6 6 6, यानी कि जो घड़ी है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, समझिएगा, 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तब इसलिए 5 मिनट में बना कोण हो जाएगा, इसलिए 5 मिनट में बना कोण। अब भाई 5 मिनट में घड़ी कितना कोण बनाएगी, 6 डिग्री का तो बनाती है, 1 मिनट में 5 से गुणा कर दीजिएगा आपका हो जाएगा 6 5 30 डिग्री का, यानी कि ये कोण आपका 30 डिग्री का बनाती है, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाती है सुई, कितने में, 5 मिनट में, जो क्षेत्र है उस जो क्षेत्रफल है उसमें, ठीक है। तो 5 मिनट में सुई जिस रास्ते को क्रॉस कर देती है वो उसको 30 डिग्री का कोण उसने में बना देती है, ठीक है। चलिए, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आप यहां पे निकालिए, चलिए, घड़ी द्वारा
द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। घड़ी द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में क्षेत्रफल रचित चलती है, कितना हो जाएगा? अब भाई ये देखिए त्रिज्या खंडी तो हो गया है, केक ही तो कटा है, खिला दीजिएगा फिर से, कल भी केक खिलाया था आप लोगों ने, आज तो ये क्या है? तो त्रिज्या खंड का आपको फार्मूला पता ही होगा, थीटा बट्टे 360 और पाई गुना पाई का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान रख देता हूँ, इधर कर देता हूँ, आप ये समझ जाएंगे। ठीक है, तो थीटा का मान आपका 30 डिग्री है, यहाँ पे रखिएगा 30 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान आपका 30 डिग्री है और पाई को आपको पता ही होगा 22/7 गुने आर का मान आपका 14 है और आर की पावर 2 है, तो 14 को 2 बार लिखेंगे गुने। ठीक है, ये आप इतना करेंगे, देखिएगा। तो देख रहे ना आप क्या है, इसे आपको कैलकुलेट कर लेना है। चलिए, तो पहले 0 से ये 0, ये 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री का इधर कौन है 360 का इधर। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 गुणा 6। ठीक है, ये पूरा कट जाता है, 1/12 जाता है। चलिए यहाँ पे भी इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे छोड़ देंगे। चलिए, तो 22 है इधर, 4 से पहले इसे कर दिया, 7 आ जाएगा आपका। ठीक है, और 22 है ना, तो 2 6 12 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 11। फिर 2 से कर दिया, 2 3 6 और 2 7 14। ठीक है, अब आपका नीचे कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो इधर लिख लीजिएगा 3। ठीक है, और 11 7 77 × 7/3, 11 7 77 और 7 7 49 का 9 आ जाएगा आपका। एक मिनट, कोई बात नहीं, देखिएगा यहाँ पे क्या है आपका, और 7 नहीं आएगा, ये 7 नहीं होगा बेटा, देखेंगे सही से, 7 नहीं, यहाँ पे 2, 7 2 ने 14, तो 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा, ये आपका थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो 7 2 ने 14, 14 का 11 में गुणा करेंगे। ठीक है, इसे नहीं लिखेंगे, 7 11 2 22 कर लीजिए, या 7 2 14। ठीक है, 11 × 14/3। ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 14 11 14 1 14 4 हासिल का आपका, 14 1 15 आ जाएगा, 3 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा है आप सबको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में